पर पैसा तो रहा दूर हाथ बना हो महाराज ने मीठी मीठी बात बनाई, यूं ही समय व्यतीत कर दिया। सोचने लग जाते हैं कि घरवाली को किस जाकर के किस तरीके से मुंह दिखाऊंगा, और क्या कहते हैं कैसे गुरुजी? घोरे जाने से दुख दिल पे बेअंदाज हुआ रे कृष्ण घोरे जाने से दुख दिल पे बेअंदाज हुआ अरे इतना रे इतना रे इतना नीचा नहीं हुआ सर जितना नीचा आज हुआ इतना नीचा नहीं हुआ सर इतना नीचा आज हुआ अरे मिसरानी की बात मान के लाज नहीं बेलाज हुआ से जादे फेर सुदामा अपने पे नाराज हुआ से जादा फेर सुदामा अपने पे नाराज हुआ अरे अपनी माटी अपने हाथों अपनी माटी अपने हाथों जब मैं कर लिखवा तने पैसा तो रहा दूर हाथ से तो क्या तेरे संदे आर्थ ने पैसा तो रहा दूर हाथ से तो क्या तेरे संदे आर्थ ने हमारे बीच महाशय श्री जयकरण सिंह जो अंतवाड़ा चौपला से चलकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आए हैं, वे हमारे बड़े भाई मोनू सिंह पिपलैड़ा को अपना आशीर्वाद दे करके हौसला अफजाई करेंगे। और दूसरी पंक्ति में बताया है, सभी भक्तों की समझ में बात आ रही होगी। मैं ताली नहीं बजवाऊंगा, काफी देर होगी तुमको सीधे, मगर सुबह पढ़ के भी पता ना लगे कहां सो रहे। बोली साचे दरबार की, सुदामा जी कहने लग जाते हैं कि कृष्ण भगवान तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, जानते हुए भी मेरी इस कंगाली का आपने घर बुलाकर के इतना निरादर कर दिया, और क्या कहने लग जाते दूसरी बात के अंदर कैसे गुरुजी? अरे मेरे हित में बात
वो कृष्ण कोई खिलाफ करे था, मेरे बल में हाथ घेर के झूठा मेल मिलाप करे था, मेरे बल में हाथ घेर के झूठा हाथ करे था। अरे श्री कृष्ण बेरों में गुठली जान गया करे था, मेरे फटे वस्त्र कंगाली का वर्णन साफ करे था, मेरे फटे वस्त्र कंगाली का वर्णन साफ करे था। मेरी फटी धोती टूटी जूती, फटी धोती टूटी जूती कर देती कई बार तने, श्री मंगलू सिंह, हमारे भाई मोनू सिंह को आशीर्वाद रूपी अपना आशीर्वाद देकर हौसला अफजाई करें। आशीर्वाद के रूम में सभी ने आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पावन भूमि का बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी समस्त मैनेजमेंट कमेटी कार्यकर्ताओं का, संजीव भाई का। मैं तो आपका घर का हूँ, बालक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी के चरणों में मैं शीश झुका करके नमन करता हूँ। अगर बात अच्छी लग रही तो आशीर्वाद के रूम में एक बार ताली बजा करके जरूर आशीर्वाद दे दें। और क्या लिखा गुरुदेव, दो नंबर बात, तीस नंबर में सोचे कदम उठा के खायो भूल करी बड़ी भारी में, स्वार्थ के वशीभूत जगत में बात मेट दी सारी में, स्वार्थ के वशीभूत जगत में बात मेट दी सारी में, दुनिया पलम लगानी चर्चा पहले की नर नारी में, कोई कहे दसदामा मांगता यारी महोदय ने
कहने लग जाते हैं सुदामा जी कि अब जीने का जो मतलब और मकसद है वो बेकार है, क्योंकि जो मेरा जीवन का मकसद था, मेरा बंधा भरम था, सब कुछ आज खो चुका है। वहीं पर बैठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं कि अब घरवाली को किस तरीके से जाकर के मुंह दिखाऊंगा। यानी आने बच्चे हैं, नहीं एक करने वाला हूं, उतना ही मांग करके लाना, उतना इन बच्चों को खिलाना, कई रोज से मैं वहां हूं, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। तो सुदामा जी क्या कहते हैं चौथी पंक्ति के अंदर, आइए गुरु जी किसे बंधा भरम भी खत्म हुआ, अब धरा जगत में मेरा क्या, इससे ज्यादा इस जीवन में होगा और अंधेरा क्या, इससे ज्यादा इस जीवन में होगा और अंधेरा क्या। लखन सिंह ये बता खोल के इसमें के हर जा तेरा, भूख में भूखा जान राज बल छके हुए न